दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ क्लिक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस नोटिफिकेशन बेल पे जरूर क्लिक करें, जिससे कि आप हमारे आने वाले सारे वीडियोस की नोटिफिकेशन अपने मोबाइल पर पा सकें। भारत एक विकासशील देश है और अभी भी लगभग 40% जनता गरीबी रेखा से नीचे रहती है और ना जाने ऐसे कैसे गुजारा करती है। देश के हर चौराहे रोड पर आपको भीख मांगते हुए कई भिखारी नजर आते हैं, जिन्हें आप शायद रोज 1 या 2 रुपए दे देते होंगे। लेकिन जरा सोचिए कि आप जिस भिखारी को सिक्कों की भीख देते हैं, वह दरअसल एक करोड़पति निकले। आपके चेहरे का भाव निश्चित तौर पर देखने लायक होगा, लेकिन यह सत्य है। आज हम आपको कुछ ऐसे भिखारियों से मिलवाने जा रहे हैं जो दरअसल भारत के सबसे अमीर भिखारियों में से एक हैं, जिन्हें भिखारी भी कहना ठीक नहीं होगा और वो शायद आपसे भी ज्यादा अमीर हैं। वे सुविधा संपन्न हैं, उनके बच्चे कॉन्वेंट स्कूलों में पढ़ते हैं, उनके पास खुद का बिजनेस है, दुकानें हैं और बैंक बैलेंस करोड़ों में है। इसके बावजूद भीख मांगना ही इनका पेशा है। भरत जैन, फर्राटेदार अंग्रेजी बोलने वाले भिखारी भरत जैन 50 साल के हैं। ये जनाब रोजाना 8 से 10 घंटे मुंबई के परेल पर भीख मांगते हैं और महीने के करीब 65,000 रुपए कमा लेते हैं, जो कि वहां के मुख्यमंत्री की पगार से भी अधिक है ना होश उड़ाने वाली बात। तो और सुनिए, इनके पास खुद के 70-70 लाख के 2 फ्लैट हैं। भारत भांडुप इलाके में एक जूस की दुकान के मालिक भी हैं। इसी जगह पर इनकी एक और दुकान है, जिससे इनको 10,000 रुपए महीने का किराया मिलता है। भरत के परिवार में उनके पिता और बीवी बच्चे हैं। भरत हिंदुस्तान के सबसे अमीर भिखारी हैं। फिर भी अगर ये परेल पर भीख मांगते दिख जाएं, तो आप बिल्कुल भी हैरान मत होइएगा। पप्पू कुमार, ये जनाब पटना से आते हैं। इनका बैंक बैलेंस 1 करोड़ से भी ऊपर है, फिर भी लोगों से यह कहकर भीख मांगते हैं कि कई दिनों से इन्होंने बिल्कुल भी खाना नहीं खाया है, कुछ खाने के लिए रुपया दे दो। और अपने लड़के को इंग्लिश मीडियम स्कूल से ये पढ़ा रहे हैं, है ना बिल्कुल मजेदार बात। मासू, यह साहब फिल्म स्टूडियो में कपड़े बदलकर ऑटो से भीख मांगने वाली जगह पर पहुंच जाते हैं। मासू भी मुंबई के परेल से ताल्लुक रखते हैं। वहां उनका खुद का एक कमरे का फ्लैट है, साथ ही 30 लाख रुपए की अन्य संपत्ति के साथ लगभग 30 लाख तक की और संपत्ति है। परिवार वालों के समझाने के बाद भी ये अपने फैशनेबल तरीके से भीख मांगना बिल्कुल भी नहीं छोड़ते हैं। कृष्ण कुमार गीते, नाला सोपारा में रहने वाला कृष्ण कुमार गीते अपने भाई के साथ खुद के फ्लैट में मजे से रहता है। वह दिन में 8 से 10 घंटे भीख मांगता है और महीने में 10 से 15 हजार रुपए तो आराम से कमा लेता है। इसके अलावा कृष्ण कुमार के पास बैंकों में लाखों रुपए जमा हैं। सारवितिया देवी, इनसे मिलिए। यह है भारत के सबसे प्रसिद्ध महिला भिखारी सारवितिया देवी। ये पटना में रहती हैं और सालाना 36,000 रुपए LIC का प्रीमियम भुगतान करती हैं। भीख से हुई आमदनी से ये अपनी बेटे की शादी भी कर चुकी हैं और उनके पास खुद का घर भी है। दिलचस्प बात तो ये है कि ये 7 तीर्थों स्थानों पर घूम कर भी आ चुकी हैं और विदेश यात्रा भी कर चुकी हैं। शायद किसी आम आदमी ने अभी तक प्लेन में सफर भी ना किया हो, पर यह महिला भिखारी विदेश भी घूमकर आ चुकी हैं। संभाजी काले, संभाजी भिखारी मुंबई के स्लम क्षेत्र विरार से आते हैं। इनकी रोजाना की आमदनी 1500 रुपए यूं ही है। इसके अलावा इनके पास खुद के 2 घर और इतने ही फ्लैट भी हैं। और तो और इन्होंने बैंकों में भी निवेश कर रखा है। इनका बैंकों में इतना ज्यादा निवेश है कि बैंक वाले खुद इनको रोड पर मिलके इनके दस्तखत लेने आते हैं। हाजी,
हाजी मुंबई से हैं और इनकी रोजाना की आमदनी 2 से 4 हजार रुपए है। त्योहारों के वक्त इनकी आमदनी बढ़के 10 हजार रुपए प्रतिदिन हो जाती है। इनके पास खुद का घर और साथ में ही लगभग 20 लाख तक के प्लॉट्स हैं। इसके अलावा हाजी का खुद का जरी का कारखाना है, जहां पर 15 लोग इनके नीचे काम करते हैं और ये उनको पगार देते हैं। अपने परिवार के समझाने के बाद भी ये बिल्कुल भी भीख मांगना नहीं छोड़ रहे हैं। हाजी कहते हैं कि एक ठीक ठाक आमदनी शुरू होने पर वह अकेले रहने लगेंगे। अब अकेले आदमी को इतनी ज्यादा पैसों की लालच हो चुकी है कि वो किसी भी हद तक कुछ भी कर सकता है। इंसान दिन ब दिन कुछ ना कुछ अलग तरीके से पैसा कमाने की सोच रहा है और भीख मांगना भी उसमें से अलग नहीं है। दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको ऐसे ही वीडियो और देखने हैं तो हमारे चैनल पर जाके जरूर देखें। अगर आप भविष्य में भी ऐसे वीडियो देखते रहना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटे पर जरूर क्लिक कर दें। हम आपको मिलेंगे ऐसे ही नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार।